किया है कि एक निदेशालय राज्य में भी खोला जाएगा, ताकि जो यहाँ के युवा हैं वो कहीं ना कहीं एक बेहतर अनुशासित जीवन जीने के लिए जो कला है वो सीख पाए, साथ ही साथ उसमें सैन्य की जो जज्बात है, सैन्य में सेना में जाने का जज्बात भी उनमें कहीं ना कहीं आए। और इसी को लेकर उन्होंने लोगों से अपील की, जो नए युवा है उनसे अपील की, किशोरों से अपील की कि आप एनसीसी से जुड़े, एक बेहतर राष्ट्र निर्माण में आप भी मददगार भूमिका निभाएं। एनसीसी के जरिए जब आप प्रशिक्षित होते हैं तो आप में एक जज्बा देश सेवा का है वो जगने लगता है, और कहीं ना कहीं आप में एक सैन्य अनुशासन जो है वो आप सीख जाते हैं, उसके बाद से आगे सेना में जाने का रास्ता ही प्रशस्त होता है। और यदि आप एनसीसी के बाद आम जीवन जीते हैं तो भी आप बहुत अनुशासित होकर एक बेहतर ईमानदार नागरिक के तौर पर बहुत कुछ अपने समाज को देते हैं। कि एनसीसी समूह को और ऊर्जा देने के लिए बहुत सक्षम और पर्याप्त भी है। मुझे जानकारी मिली है कि एनसीसी का जो डायरेक्टरेट है वो पटना में है। मैं यहां एनसीसी से जुड़े सभी वरीय पदाधिकारी से आग्रह करूंगा कि अगर हम एक हेडक्वार्टर या डायरेक्टरेट झारखंड में भी स्थापित कर पाए तो एनसीसी को और बड़ा बल मिल सकता है। और हम निश्चित रूप से चाहेंगे कि हमारे बच्चे झारखंड के, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे वायुसेना में हो, चाहे नौसेना में हो और जाने की इच्छा रखते हो, उनके लिए भी हम विशेष रूप से एनसीसी के बड़े पदाधिकारियों के साथ मिलकर कार्य योजना हम लोग बनाएं, ताकि आप देश की रक्षा के लिए और इस संविधान की रक्षा के लिए अपने आप को तैयार करें। गौरव, बड़ी खबर आ रही जमशेदपुर, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के भाई मूलचंद साहू और भतीजा कमलेश साहू